नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। सेंधवा किला गेट पर जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा सेना विद्या ग्यारसीलाल का पुतला चलाया गया। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि सेंधवा के ग्राम झोपाली के एक फलिया में 25/12/2021 को सेंधवा विधायक ग्यारसीलाल रावत ने जनजातीय समाज के भोले भाले लोगों को अपने धर्म एवं रीति रिवाजों और परंपराओं को छोड़कर ईसाई धर्म को मनाने के लिए प्रेरित किया गया है, ऐसा जनजाति सुरक्षा मंच ने बताया। जनजाति सुरक्षा मंच सेंधवा द्वारा आज किला गेट पर पुतला दहन व एसडीएम कार्यालय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दिया है पुतला जला विधायक का, क्या मामला? ग्यारसीलाल विधायक ग्यारसीलाल रावत जी ने झोपाली के वागरिया फलिया गाँव में ईसाई मिशनरियों की सभा हो रही थी, वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ मतलब आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को प्रेरित किया है कि ईसाई धर्म अपनाओ। आप क्या मांग लेके आए यहाँ पर? हम ये मांग लेके आए कि हमारी संस्कृति दिन पे दिन खत्म करने की ये रचना रच रहे हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को भड़का रहे हैं, तो हम ये मांग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कि ग्यारसीलाल रावत जी ने जो ईसाई मिशनरी के खिलाफ, हम ये चाहते हैं कि अभी ग्यारसीलाल रावत जी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे जाके ऐसा काम ना करे। भोले वाले समाज को ये प्रेरित कर रहे हैं ईसाई मिशनरी बनने, तो हाँ वीडियो वगैरह सारी चीज पूरा प्रूफ है उनका, क्योंकि वो साथ उसमें दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना की थी तो मैं बुखार से कोरोना मुक्त हो गया हूँ, बुखार और कोरोना से मतलब मुक्त हो गया हूँ, लेकिन पूरे विश्व में ईसाई सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा कोरोना वहीं पर क्यों फैला है, वो क्यों नहीं मुक्त हो रहे। सेंधवा से साजिद राजधानी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।